अगर जो बात मेरे मुल्क के मुफाद की है, मेरे पाकिस्तान के मुफाद की है, उन पे हम कंप्रोमाइज करते हैं। आपका भी हम मसला जो है ना वो कंप्रोमाइज पे ले आते हैं, आपके भी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन कुछ हमारे मुल्क में होना चाहिए वो जो। तो फिर तो इंकलाब के बगैर वो नहीं हो सकता। जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो पूरी तरह से निराश हो चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि भारतीय कश्मीर में G20 हो रहा है, भारतीय कश्मीर में तरक्की हो रही है, और भारतीय कश्मीर में जैसे इंडिपेंडेंस डे मनाया गया वो देख के पाकिस्तानियों को पता चल गया कि कश्मीर उनके हाथों से पूरी तरह से निकल चुका है, और अब कश्मीर में मिस वर्ल्ड भी आ चुकी है। तो ये देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से निराश हो गए हैं, और अब पाकिस्तानी कह रहे कि हमें कश्मीर नहीं चाहिए, और पाकिस्तानी पाकिस्तानी सरकार से कह रहे कि भारत के साथ कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज कर लो और हमें तरक्की और डेवलपमेंट दो, जैसे भारत कश्मीर में हो रहा है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे बात करें। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मिसार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। मेरे देखने में जैसे मिस वर्ल्ड वगैरह ने विजिट किया ना उधर का, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन जब सारा पाकिस्तानी और पूरी वर्ल्ड के लोग उधर आ रहे हैं विजिट करने के लिए, लेकिन हमारा इशू ये है कि हमारे जो हैं दोनों पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, यही हमारा मीडिया एक सबसे बड़ा इस बात पे फोकस करता है कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है। सर, ये अगर दोनों मीडिया, इंडिया और पाकिस्तान का दोनों मीडिया इस फोकस पे काम करना छोड़ दें, एक दूसरे पे देना छोड़ दें, मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा वर्ल्ड दिया कि जिसने मतलब आप कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि पीस कायम करें ना, जो जो उनसे वार जंगों को ख़त्म करके सुलह कर लें। जी जी, बिल्कुल सुलह करनी चाहिए, लेकिन हमसे पाकिस्तान से हालात ज़्यादातर उनके बेहतर हैं, जो हमें दिखाते हैं वो असल चीज़ होती नहीं है सर। जैसे उन्होंने पूरी दुनिया में वर्ल्ड में आके उन्होंने विजिट किया है, पूरी दुनिया आके वर्ल्ड विजिट कर रही है एक चीज़ का, G20 मीटिंग भी वहाँ पर रखवाई। जी जी बिल्कुल, मीटिंग लिखवाई थी, ठीक है। देखें आप, जैसे वो आके शिमला उधर आके विजिट किया, पूरी वर्ल्ड का विजिट करके गए, पूरी दुनिया का विजिट कर रहे हैं, क्या हमें इस चीज़ का पाकिस्तान का सोचना चाहिए ना सर? आपको क्या लगता है कि हमने जितना डेवलपमेंट उन्होंने अपने कश्मीर पे किया, क्या हमारी साइड पे कश्मीर में हमने डेवलपमेंट की है? कुछ भी नहीं किया, ऐसा कुछ विजिट किया कश्मीर? कश्मीर का विजिट नहीं किया, लेकिन जैसे दिखाते हैं हमें विजिट करने का इतना खौफ तारी किया जाता है कि डेंजरस तरीके से दिखाया जाता है कि ये ऐसी करके हम जाने से वैसे खौफ आता है सर। इंडिया साइड कश्मीर की बात करें और पाकिस्तान साइड कश्मीर की बात करें, वहाँ पे बड़ी तादाद में इंडिया साइड में टूरिस्ट आ रहे हैं, वहाँ पे मिस वर्ल्ड इंडिया, मिस वर्ल्ड कैरिबियन, ये सब आए हैं श्रीनगर का, उन्होंने सर्वे किया, बहुत ज़्यादा तारीफ की है डेवलपमेंट के हवाले से। मैं अगर कश्मीर की बात करूँ, वहाँ पे 200 इलेक्ट्रिक बसेज जो उनसे इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ वाले कश्मीर को दी हैं, क्या समझते हैं वो लोग? तो सोचते होंगे कि भाई वाकई हम वहाँ पे हमें डेवलपमेंट मिल रही है। मैं आपको, मैंने बोला जो आपने मेरे से क्वेश्चन किया, हम अमेरिका के मानते हैं, हाँ। मजबूरी है ये कहा जाता है? ये नहीं, जेन्युइन मजबूरी है, कहा नहीं जाता। अच्छा। मैं इस बात को समझता हूँ, हमारे जेन्युइन हमारे जो सिस्टम है ना, पाकिस्तान का जो सिस्टम है, उसके अंदर जगह जगह पे मोड़ पे हमारा अमेरिका बसा हुआ है। अच्छा, ठीक है जी। हम कहते हैं पाकिस्तान में जो गलत होता है वो मैं यही तो मैं कह रहा हूँ। अभी सबका हमारा हुक्मरान था, उसने कहा जी ये साइफर अमेरिका से आया, उसके बाद वो उससे मुनहरफ हो गया, ठीक है जी। ये तो हमारे सियासतदानों का हाल है, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है, बैठे टेबल टॉक करें, लेकिन एक बात करें कि अगर जो बात मेरे मुल्क के मुफाद की है, मेरे पाकिस्तान के मुफाद की है, उन पे हम कंप्रोमाइज करते हैं। आपका भी हम मसला जो है ना वो कंप्रोमाइज पे ले आते हैं, आपके भी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन कुछ हमारे मुल्क में होना चाहिए वो जो मेरी आवाम के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होना चाहिए। चाहे आप अमेरिका की बात माने, चाहे आप इसराइल की बात माने, चाहे आप चाइना की माने या सऊदीया की बात माने, जिसकी मर्जी बात माने, हमें इशू नहीं है। पाकिस्तान में डेवलपमेंट होनी चाहिए, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए, हमारा हमें इज्जत मिलनी चाहिए। मेरी बहुत सारे और एक्सपर्ट से भी बात हुई है, वो कहते हैं पाकिस्तान की जो ब्रीड है या पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो इनकलाब वाली तो सर नहीं है, कतन नहीं है। हाँ, अपने राइट के लिए अगर ये खड़े हो गए तो ये भी बहुत बड़ी बात होगी, हमें इनकलाबात की नहीं, हमें अपने राइट्स की ना बड़ी सख्त जरूरत है। जिस तरह पेट्रोल के लिए भी कहा जा रहा है कि जी 12 से 15 रुपए या 12 से 20 रुपए मजीद अभी बढ़ाया जाएगा 31 अगस्त को, डॉलर का रेट कहते हैं कि बढ़ गया। सर ये वाला पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा,
कि फिर क्या अब लोग दोबारा से इस ड्रामे बाजियों में, आपको लगता है? मुझे जाती तौर पे एज ए पाकिस्तानी, एज ए जर्नलिस्ट नहीं लगता, क्योंकि लोग इस वक्त शायद इतने गुस्से में हैं कि इससे पहले मैंने कम से कम मैंने अपने हद तक नहीं देखा हुआ लोगों को। देखें, पहली बात तो ये है कि इस वक्त तक पिछले 7 महीनों में 4.5 लाख हुनरमंद पाकिस्तानी प्रोफेशनल जी वो पाकिस्तान से निकल गए और निकल रहे हैं सर, और निकल रहे हैं, मजीद बिल्कुल, भी निकल रहे, बिल्कुल बिल्कुल निकल रहे हैं। 2.5 लाख तो सिर्फ सऊदी अरेबिया गया है, बिल्कुल गया सर। बाकी कतर, बहरीन, यूएई, इन मुल्कों में 7 महीनों में चले गए और निकल रहे हैं डेली बेसिस पे, हजारों डेली बेसिस पे। यस, अब आपका जो ये बात है कि लोग कहते हैं कि हमें हमें राइट्स चाहिए, हमें इनकलाब नहीं चाहिए, तो ये बात उस वक्त तक तो ठीक है और समझ में भी आती है जब रियासत के पास लोगों के राइट्स देने के वसाइल मौजूद हो, फिर तो आप लड़ सकते हैं। सही, सही। देखिए ना, मैं अगर आपके जेब में 1000 रुपया है तो मैं 100 रुपए के लिए आपसे लड़ सकता हूँ कि भाई आप 1000 में से 100 रुपया मुझे दें, मुझे घर का खर्चा चलाना है। जी, 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 जी। लेकिन जब आपकी जेब में 100 रुपया हो और मेरी डिमांड हो 1000 रुपए की, तो फिर तो इनकलाब के बगैर वो नहीं हो सकता। और इससे भी बड़ी जो बात है वो आज ये 5th जनरेशन वॉर है, ये सोशल मीडिया और ये इस किस्म की जंगें हैं। पाकिस्तान किसी से जंग वैसे भी नहीं लड़ सकता, तो इतनी बड़ी फौज का खर्चा आपने उठाया हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ है कि पाकिस्तान का जो रियासत का निजाम है वो खोखला हो चुका है, और पाकिस्तान के रियासत के निजाम को खोखला करने में इदारों का बहुत बड़ा हाथ है। लिहाजा यहाँ इनकलाब, अवामी इनकलाब के बगैर, जिसमें अवाम खुद बराए रास्त इन तमाम इदारों को तहस नहस करके नए सिरे से इदारे खड़े करें, जिसमें मईशत है, जिसमें सनत है, जिसमें आपकी है। पार्लियामेंट है, अदलिया है, फौज है, हर चीज, उस वक्त तक ये मसाइल हल नहीं हो सकते भाई। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं, तो मुझे इन पाकिस्तानियों के बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, क्योंकि जब इकोनॉमिकली इनकी हालत खराब होती है तो कॉम्प्रोमाइज की बात करते हैं, पर जब इनके पास थोड़ा पैसा आता है तो ये फिर से पीठ पे छुरा मारते हैं। तो अभी ये कश्मीर पर कॉम्प्रोमाइज की बातें जरूर कर रहे हैं, पर जब इनकी इकोनॉमिक हालत थोड़ी सी भी ठीक होगी तो ये फिर से जंग की बात करना शुरू कर देंगे और कहना शुरू कर देंगे कि हम तो न्यूक्लियर ताकत है, हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, भारत को हमारे साथ टेबल में बैठ के आंखों से आंखें मिला के इक्वालिटी के बेस पे बातचीत करनी चाहिए और पूरा कश्मीर हमारा है और ये सब नौटंकी जो इनकी चलती है। तो मुझे इनकी बातों पे विश्वास नहीं है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी अभी जो इकोनॉमिकली हालत है वो पाकिस्तानी वजह से है, और भारत से कश्मीर पर अगर उन्हें कॉम्प्रोमाइज भी कर लिया तो तब भी इनकी इकोनॉमिक हालत सही नहीं होगी, क्योंकि इनकी इकोनॉमिक हालत भारत की वजह से नहीं बल्कि अपनी वजह से है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।